चलिए, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को गुड आफ्टरनून, ऑनलाइन वाले बच्चों को वेलकम बैक। तोड़फोड़ कर देंगे इस सेशन के अंदर, ठीक है? तुम हंसते क्यों? मैं ऐसी बात करता हूं यार, ठीक है? मतलब एकदम तोड़फोड़ कंसेप्ट्स की लोगों की नहीं, ठीक है? और तुम जो सोच रहे हो उसकी तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको लगता क्या है, मतलब मैं बाहर जाता नहीं होगा, मेरे दोस्त नहीं होंगे, मैं समझता नहीं होगा तुम क्यों हंसते हो। तो अगर तुम्हारी ये सोच है तो वो गलत फहमी है आपकी, ठीक है? मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हारा कौन हूं, वापस से आ जा। ये रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है ना? ये एक इक्वेशन थी अपन ने बनाए थे, और दूसरा मैंने आपको कोई एग्जांपल दे रखा था, ठीक है? एक एक्स का, एक वाई का, इस तरीके से कहा गई वो इक्वेशंस, ये बराबर, ये इक्वेशंस दी है आपको, तो एक ये दो इक्वेशन दिए जिससे आपने बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल लिया, बराबर है? अब अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये 15वां क्वेश्चन, यहां से मैं आपको एक शानदार चीज बताने हूं, ठीक है? आपने बी वाई एक्स निकाला था और बी एक्स वाई निकाला था। बी एक्स वाई कितना है? 0.4266। बी वाई एक्स कितना है? 0.54, बराबर है? हाँ ना? अब एक काम करिए मेरे लिए, अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल का, अभी का, इसके पहले का तुम्हारा पूरा क्लियर है, और जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है उसको भी कल का पूरा याद है, ध्यान में है, ठीक है? ये बी एक्स वाई था मेरा, बी एक्स वाई मेरा था 0.4266, मेरा बी वाई एक्स था 0.54, बराबर क्या? एक काम करो, अब किधर गया बे? बी एक्स वाई 0.4266, बी वाई एक्स 0.54, आना। अब मेरे लिए काम करिए, मस्ती कर रहा है ये जिंदगी में सर, क्या कर रहे हैं? चलो, ये बी एक्स वाई है, ये बी एक्स वाई है, और बी वाई एक्स ये 0.54 है, ठीक है? अब एक काम करिए मेरे लिए, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करिए कैलकुलेटर पे, करिए। बी एक्स वाई कितना था? 0.4266 इंटू बी वाई एक्स कितना था? 0.54 इज इक्वल्स टू, ठीक है, आ गया जो भी आया होगा, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू इज इक्वल्स टू कर दो, सॉरी माफ करिए, बी वाई एक्स है ना, इसका अंडर रूट ले लीजिए, 0.4266 इंटू 0.54, इसका अंडर रूट ले लो, कितना आया? 0.48 आया क्या? आ गया 0.48, और 0.48 काई की वैल्यू थी आर की, 0.48 काई की वैल्यू थी आर की। तो एक प्रॉपर्टी है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अच्छा बताओ, चलो बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? R into standard deviation of x ऊपर standard deviation of y नीचे into byx क्या होता है? R into standard deviation of y ऊपर standard deviation of x नीचे। ये standard deviation of x ऊपर का, नीचे का, नीचे का, ऊपर का, कट गया, under root r square is equals to r, मतलब byx into byxy का रूट ले लूं मैं तो r आ जाएगा, जो कि r है। ये इसलिए आपको ये याद रखना है कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट इज नथिंग बट आर। तो आपको अगर आर पूछा है तो आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से निकाल सकते हो, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट से आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट से आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। डन है?
ये बहुत जरूरी है दो चीजों के लिए, एक तो इस पे क्वेश्चन आते हैं और दूसरा इसमें अपने को पूछते हैं कि भैया एक्स ऑन वाई कौन सा है और वाई ऑन एक्स कौन सा है, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रुक जाओ। ये पहले एक चीज ध्यान रखो, आर इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बराबर है। और हम सारा शहर जानते हैं कि ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कहां से निकलता है, रिग्रेशन इक्वेशन से निकलेगा, आया ना, रिग्रेशन इक्वेशन से निकलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो r का वैल्यू है वो माइनस वन टू प्लस वन के बीच में ही रहता है, जानते ना, अरे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही रहता है, जानते हो नहीं जानते हो, पक्का। अब आता है मेन क्वेश्चन जो सबसे बड़ा दर्द देता है। अभी तक मैं आपको एक पूरा पिक्चर ओवरव्यू दे देता हूं हम क्या क्या जानते हैं उसका, ठीक है। हम जानते हैं कि भैया एक टाइप का क्वेश्चन जो आता है कि बी एक्स वाई निकालो बी वाई एक्स निकालो, वो तो अपन फॉर्मूले से कर लेंगे, उसमें कोई आपत्ति किसी को, उसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, फॉर्मूला याद है, बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है या एक्स निकालना है जब वाई गिवन है या वाई निकालना है जब एक्स गिवन है, ये अपने को मालूम है, कुछ है नहीं उसमें कुछ खास, वो प्रॉपरली फॉर्मूला बेस्ड है। अभी लगने वाला है दिमाग। अब आपको देंगे दो इक्वेशन, आपको क्या देंगे, दो इक्वेशन, जैसे मैं आपको बताता हूं कौन सा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन दिया है, इसको बहुत आराम से ले रहा हूं मैं, आपको पहला इक्वेशन क्या दिया है, 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ऐसे आपको पूछा है बताइए कौन सी इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। देखो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इसको, आराम आराम से, कोई गई नहीं, आराम आराम से, इतने आराम से कि बाद में कभी इस पे दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े, पूरा दिमाग के अंदर चिपक जाए। आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी क्वेश्चन में, और कोरिलेशन रिग्रेशन में या रिग्रेशन में मेन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस दैट्स इट। आप जितने भी पीवाई कुछ देखोगे ना, आपको दिखेगा चार टाइप के क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्या कि आपको आइडेंटिफाई करना है x ऑन y कौन सा है और y ऑन x कौन सा है, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, क्या करें, क्या करें सर बताओ, कैसे करेंगे। देखो ये दोनों में से एक इक्वेशन x ऑन y होगी, दूसरी इक्वेशन y ऑन x होगी, बराबर है, आया ना, कोई भी एक इक्वेशन x ऑन y होगी, ध्यान से सुनो मेरी, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों में से एक इक्वेशन x ऑन y होंगी, एक इक्वेशन होंगी x ऑन y, तो उससे आप बी एक्स वाई निकाल लोगे, दूसरी इक्वेशन रहेंगी y ऑन x, उससे आप निकालोगे बी वाई एक्स, आया ना, बराबर, बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे और अंडर रूट लोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे अंडर रूट लोगे, एक बार पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, फिर करेंगे, फिर वापस से प्रोसेस बताऊंगा, फिट हो जाएंगे दिमाग। बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल लिया आपने, ठीक है, दोनों का अंडर रूट लोगे आप, जो भी वैल्यू आएंगी उसकी वो आर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, अगर वो वैल्यू एक से बड़ी है तो आपने जो माना वो गलत है, अगर वो वैल्यू वन से बड़ी है तो जो आपने माना वो गलत है, क्योंकि r एक से ज्यादा नहीं हो सकता, r एक से ज्यादा मानते हो, मानते नहीं मानते, सर ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, करे कैसे बताओ, किसको क्या मानू, अपने को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच इक्वेशन इज x ऑन y एंड विच इक्वेशन इज y ऑन x, आप बताइए किसको क्या मानो, मैं इसको पहली वाली को मान रहा हूं मैं x ऑन y, दूसरी वाली को क्या मानना पड़ेगा
वाई ऑन एक्स, ठीक है, पहले को एक्स ऑन वाई मान रहा हूं, दूसरे को वाई ऑन एक्स मानूंगा। लिखने की घाई मत करिए, बुक के अंदर हर एक चीज आपको दे रखी है, मेरा मकसद है अभी आपको समझाने का। ठीक, डन। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या एक्स ऑन वाई है, मतलब कौन सी डम में रहेगा, एक्स की डम्स में। ये देख लो, फिर से देख लो एक बार, एक्स ऑन वाई, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो एक्स की डम्स में रहता है, वाई ऑन एक्स है, वाई की डम में रहता है, बराबर है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स ऑन वाई माना ना पहली इक्वेशन को, सेवन एक्स माइनस इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, इधर क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई है, कौन सी इक्वेशन को माना मैंने, सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो, गाई मत करो भाई, शांति से सोचो, ठीक है। ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्स के फॉर्मेट में, आया ना, बनाओ एक्स के फॉर्मेट में, सेवन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस एटीन, आया ना, सब उधर जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन वाई प्लस एटीन बाई सेवन, हा ना, किसी को आपत्ति, क्यों, x के टर्म्स में चाहिए, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब x के टर्म्स में रहता तो जो y का कोएफिशिएंट है क्या बन जाएगा, ये बी एक्स वाई बनेगा, आया ना, बी एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, आया क्या, एक्स ऑन वाई माने हुआ है। सिमिलरली वाई ऑन एक्स में क्या करूंगा, 4x माइनस वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन y ऑन x मानी है, तो कौन से टर्म्स में होना, y के टर्म्स में, बराबर है, ये माइनस y है पर y प्लस चाहिए, सर एक काम करो, ये पहली और आखिरी चीज इधर ही रहने दो और ये y को इधर लेके चल जाओ, कोई आपत्ति, क्या हो जाएगा बताओ, 4x माइनस इलेवन इज इक्वल टू y, अपने को सीधे की आदत है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 11, बराबर, अगर y ऑन x है तो x के सामने वाली चीज क्या देती है, b y x इज इक्वल टू 4, आ गया आपका b x y b y x, आएगा। नाउ कैलकुलेट r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, अंडर रूट बी एक्स वाई कितना है, थ्री बाई सेवन इंटू फोर, कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट ऑफ बारह बाई सात, ट्वेल्व बाई सेवन का अंडर रूट इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री जीरो, आर इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री जीरो, नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो जो अपन ने माना है वो गलत है, जो अपन ने माना है वो गलत है, तो ये जो पहली इक्वेशन है ये वाई ऑन एक्स नहीं है, एक्स ऑन वाई है, और दूसरी इक्वेशन वाई ऑन एक्स नहीं है, सॉरी पहली इक्वेशन एक्स ऑन वाई नहीं वाई ऑन एक्स है, और दूसरी इक्वेशन वाई ऑन एक्स नहीं एक्स ऑन वाई है, अपन ने जो माना उल्टा है, बराबर, क्या समझे, क्या क्या कर रही वापस, ये प्रॉपर्टी का क्या काम है सर, ये प्रॉपर्टी का काम आता है दो केसेस में, एक जब आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स दिया है और आपको आर का वैल्यू पूछा है, कब काम आता है ये प्रॉपर्टी, पहली केस तब है जब आर का वैल्यू पूछा है, या दूसरा जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, डन है। क्या करते अपन, दो इक्वेशन दी रहेगी, एक्स ऑन वाई मानो या वाई ऑन एक्स मानो, x on y मानेंगे तो x के टर्म्स में रहेंगी, y on x मानेंगे तो y के टर्म्स में रहेगी, जैसे मैंने इस इक्वेशन को x on y माना तो मैंने इसको x के टर्म्स में लिखा पूरा का पूरा, उसके लिए मेरे को ये 7x इधर है, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ा, ये राइट हैंड साइड में लेके गया तो माइनस थ्री वाई का प्लस थ्री वाई हुआ, माइनस एटीन का प्लस एटीन हुआ, आना, फिर सर 7x से काम नहीं चलेगा, सिर्फ x होना, सिर्फ x होना, आजू बाजू कुछ नहीं होना उसको, अब ये मल्टीप्लायर था तो इधर डिवाइजर में लाके आ गया, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरे साइड में डिवीजन में जाएगा, और एक्स के टर्म्स में जब आया
तो y का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बी एक्स वाई होता है, आया ना, ऐसे निकाला बी एक्स वाई। सिमिलरली y ऑन x मारा था तो y के टर्म्स में लिखा, और x का जो कोएफिशिएंट है y के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो जो x के सामने रहता वो बन गया मेरा बी वाई एक्स। किसी को आपत्ति है क्या? अगर है तो अभी पूछो। फिर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लीकेशन करके उसका अंडर रूट निकाल लिया और चेक करा कि r की वैल्यू में आता क्या, ये 1.30 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। तो जो अपन ने माना वो गलत है, अपने दिल में पाप है। ठीक है, ओके। अब लिखो इसे, लिखो लिखो लिखो, मैं बता दो वैसे वैसे लिखो। पहला स्टेप लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन। ऊपर हेडिंग देना, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन। हेडिंग दो, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन। अब बताओ, ये अगर मैं कल लेता था तो आज पढ़ाया हुआ कल कितना याद रहता है? और रिवाइज तो तुम करते नहीं हो, वो तो हमारी फितरत में है ही नहीं। बोले रिवीजन विविजन क्या होता है, अभी थोड़ी करना पड़ता रिवीजन, वो तो एग्जाम के 2 महीने पहले करते। थोड़ा बराबर है, जो एग्जाम के 2 महीने पहले रिवीजन करता ना, वो रिवीजन नहीं, वो पहली विजन होती है, क्योंकि तब तक 3 महीने में आप गायब कर दोगे। आज ग्रुप के अंदर सारे बच्चों को रिविजन के मैसेज आ जाएंगे, रिविजन वीडियोज की, ठीक है, या आज नहीं तो कुछ टाइम बाद आ जाएगी सारी की सारी रिविजन वीडियोज। और क्योंकि मैथ्स में तो कोई चेंजेस होते नहीं है, तो 25 साल पहले की भी रिविजन आज की रिविजन सेम ही है। तो सर नहीं, हम रुके थे, आप हमारी खुद की करवाओगे, वैसे ही मैं क्लास में करवाते ही हूँ। और जो डली है पूरी चैप्टर वाइज, उसको आपको खत्म करने का है, एक बार दो बार देखने का, फुकट में है पूरा, पैसा नहीं लगता। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, 2 इक्वेशन दिए है यहाँ पे, इसके सामने लिखना, अज्यूम एक्स ऑन वाई, ये आप, मैंने वाई ऑन एक्स लिखा ना, तो आप लिखेंगे साथ में अज्यूम वाई ऑन एक्स, तो ये अपने आप अज्यूम एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको कॉपी डाउन कर लो। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कभी कॉमेडी सिंगिंग और क्या क्या है, बहुत है, क्रिकेट भी खेलता बचपन में, सब छूट गया अभी, इसलिए मैं कभी बच्चों को बोलता नहीं हूँ कि भाई तुम कब तक खाना पीना खेलना उठना कूदना बंद कर दो, सब करो अभी, बाद में ऐसे ही सब छूटना है। सीए बनने के बाद सिर्फ एक चीज आ जाती है, तोंद पेट। डन है, आ गया। अब एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, लिख ली क्या? लिखो जल्दी जल्दी। हाँ बच्चा लिख लो जल्दी। ये लिख लीजिए, फिर आपको एक जादू बताता हूं। रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज करके लिख लीजिए प्लीज, ये इतना हो गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले लो। फिर ये लिख लो, नाउ कैलकुलेट आर, जो अपना आर आया 1.30
जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज आर की वैल्यू माइनस वन से ये है. दस अवर अजम्पशन जो अपन ने अज्यूम किया था इज रॉन्ग, तुम्हारे दिल में पाप है. ठीक है, डन 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 डन. ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई तक लिख लिए क्या पहले, बोलो जल्दी. हाँ, ये वाक्य है ना तुम्हारा, ये लिखो. पॉज करके, रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज करके लिखेंगे. एक क्वेरी आई थी भाई की, सर ये 1.30 कैसे आया आर? बी एक्स वाई था 3/7, बी वाई एक्स था 4, तो 3 × 4 12/7, 12/7 दबाया और बाद में उसका अंडर रूट भी लेना है तो 1.30 आएगा. जिसने अंडर रूट नहीं लिया है उसका आंसर दिख रहा होगा कुछ 1.76 के आसपास. आप वो मत सोच लेना, गड़बड़ हो जाएगी. अंडर रूट लेना याद रखना, ठीक है. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है. ये कौन सा आर है? कोरिलेशन वाला आर. अरे अपना, ठीक है ना. हाँ, ये अपना वाला, कोरिलेशन वाला अपना, ठीक है. ये गलत है अपना अजम्पशन. बस 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 सुनो, टाइम बचाना है आपको, एक अज्यूम करेंगे ठीक है उसके बाद. हाँ लिख लो, किसी बाकी है किसी को लिखना? मेरा पांच, मेरा एक भाई है मामा का लड़का छोटा, पांचवी में, वो तेरे से पांच लिखता है. अनिश होशियार हूँ, तू नहीं है, मैं बाकी चीजें में होशियार हूँ. हाँ, अब एग्जाम का काम अपना खत्म हो गया. एग्जाम में क्या बोला है, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स बताओ. ये अपन ने इसको एक्स ऑन वाई माना था ठीक है, जो गलत था. तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वाई ऑन एक्स हो गया. ये इक्वेशन कौन सी होगी अपनी, एक्स ऑन वाई. तो एक क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ एक्स ऑन वाई कौन सा है, वाई ऑन एक्स कौन सा है, तो वो अपना काम खत्म हो गया ठीक है. एक टाइप का क्वेश्चन. दूसरा इसी पे से एक और क्वेश्चन आता है, क्या आर का वैल्यू बताओ, क्या आता है आर का वैल्यू बताओ. और तब जो तुमने माना वो अगर गलत रहा तो तुम छाती फोड़ोगे, मर गया मैं. मरेंगे ना, वापस पूरी प्रोसेस कैरी आउट करना है, पागल हो गए. क्या हो गया, पागल हो गए, काम खत्म, विषय गंभीर हो गया आपका ठीक है. विषय क्या हो गया, गंभीर हो गया. चिंता मत करो, मैं उन्हें चिंता, आपने गलत मान लिया और इक्वेशन पूछा है कि कौन सी क्या है, तो आपका काम खत्म हो गया ठीक है. बट आर पूछ लिया, आपने गलत मान लिया, तो क्या हो जाएगा, लूट गए. नहीं नहीं लूटेंगे नहीं, चिंता मत करो. आर का वैल्यू क्या रहता, रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स आया ना. अब अपन ने जो गलत मान के करा था ये ऐसा आ गया था ना, तो अगर सही मान के करते थे ना तो राइट बी वाई एक्स आ जाएगा, सॉरी बी एक्स वाई आ जाएगा. नहीं नहीं एक्स वाई गलत करा ना, तो ये वाई एक्स है, तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा, बी वाई एक्स 7/3 आएगा, उल्टा आएगा उसका. अगर आपने गलत मान के निकाला ना तो सही वाला क्या रहेगा, इसका उल्टा ठीक है. बी वाई एक्स कितना हो जाएगा, 4 का उल्टा 1/4. पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करके बताता हूं कितना टाइम लगता है ठीक है. पहले मान लो बी एक्स वाई रूट ऑफ बी एक्स वाई कितना है, 7/3 इंटू बी वाई एक्स कितना है, 1/4 अंडर रूट ऑफ 7/12 पॉइंट, नहीं नहीं 7/12 का अंडर रूट 0.58 का रूट 0.7637. ये आपका राइट वाला आर आ जाएगा डायरेक्टली, बिना पूरा कैलकुलेट करे. क्या बोल रहा हूं मैं वापस सुन लो. अगर अपन ने, अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी क्या? नहीं रही तो तुम लिख के रखो ठीक है ना, नहीं रही तो तुम लिख के रखो. जिसके दिमाग में नहीं रहती, सर अभी थोड़ी तुम इतना लिखने को टाइम देते, अभी जाके घर पे तो याद रहेंगी ना कि गजनी हो तुम, छोटा मेमोरी लॉस 15 भूला, ऐसे नहीं हो ना. देखा है वो पिक्चर, देखा है भूला,
ठीक है, क्या करना है, अपन ने जो गलत निकाला ना सही वाला उसका उल्टा रहेगा। तो बी एक्स वाई गलत निकलेगा 7/3, 3/7 है, सही वाला क्या रहेगा 7/3। और ऐसे ही बोल नहीं रहो कि तुक्का मार लो, मेरी बात मान लो, अभी साबित भी करूंगा। बी वाई एक्स गलत वाला कितना था 4, सही वाला रहेगा उसका उल्टा 1/4, 4 का उल्टा -4 मत बोलना, पाप लगेगा। ठीक है, ये करके निकाल लो, आपका आंसर आ गया, आ गया 0.763। ठीक है, डन है, आना अभी लिखवाऊंगा इसको। सर हम नहीं मानते तुम्हारी बात पे, भरोसा ही नहीं हमको तुम्हारे शॉर्टकट पे, करके बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई ले ले, करके बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स ऑन वाई, नहीं ये वाई ऑन एक्स हो जाएगा, वाई ऑन एक्स हो जाएगा, आया ना, आया ना। तो इसमें वाई लिखूंगा 7x-18 = 3y, 3y = 7x - 18, y = 7/3x - 18/3। इसको तो इग्नोर कर दो, ये क्या आ जाएगा बी वाई एक्स, वही बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बी वाई एक्स आएगा उल्टा पूरा। अरे नहीं नहीं, नहीं रुक जाओ एक मिनट, ये इसको पहले वापस से सॉल्व करता हूँ। ये एक्स वन वाई हो गया, एक मिनट रुको यार तुम, ये एक्स वन वाई हो गया, तो इसको लिखूंगा एक्स के टर्म्स में 4x = y + 11x = y/4 + 11/4, आया ना, x = 1/4 × y + 11/4, ये हो गया आपका बी एक्स वाई, ठीक है, = 7/3 = 1/4। तो अपन ने जो लिखा था, मैंने आपको जो लिखवाया था, ये बी एक्स वाई लिखवाया था 7/3, ठीक है, क्योंकि बी एक्स वाई पहले वाले थे ना, अब इसको अगर उल्टा मानेंगे तो ये बी वाई एक्स होगा एक्चुअली, समझे क्या मैं क्या बोल रहा था, समझे नहीं समझे, ये आ गया बी एक्स वाई कितना आ गया अपना, बी एक्स वाई कितना आ गया 7/3, और बी वाई एक्स कितना आ गया 1/4। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, उसको पूरा उल्टा, डिंग 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 ना 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 सर ये लिखना है क्या, बुक में दे रखा है आपको, अभी मत लिखते बैठो उसको, अबे यार इससे और पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, अपन ने पहले इसको वाई ऑन एक्स माना था ना, तो उससे क्या निकलेगा, y on x माना था अपन ने, तो y x निकलेगा, बट अपन ने जो माना था वो गलत, इसको x on y माना था, आया ना पहले स्टार्टिंग में x on y माना था ना पहले वाले को, हाँ तो वो गलत आया था, तो ये क्या बनेगा सही में y on x, ठीक है ना, by x कितना आया था अपना, y on x बनेगा, तो y on x से क्या बनेगा, by x बनेगा यार, समझे ना, तो by x बनेगा, तो मैंने पहले गलती से उसको bxy बोल दिया था, वो तो वेरी ऑब्वियस है, बी एक्स वाई माने थे इसको, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ऑन वाई हो जाएगा, तो इससे क्या बनता है बी एक्स वाई बनता है, इससे क्या निकलता है मतलब बी एक्स वाई निकलता है, तो जो आया था वही रहेगा, उसका उल्टा रहेगा, बस एक्स वाई को भी उल्टा कर देना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है जो अपन ने माना था वो गलत था। अब देखो इसको पूरा तमीज से कैसे सॉल्व करें भाई, देखो ये इक्वेशन है दोनों की, ऑब्वियसली हमको पता रहता है कि एक्स ऑन वाई क्या है और वाई ऑन एक्स क्या है, तो हम वही अज्यूम करते हैं, तो ये सेकंड, ये इक्वेशन पहली, ये इक्वेशन दूसरी, ये इक्वेशन था अपना, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन छोड़ दो, दूसरा 7x माइनस इसको अज्यूम करे थे वाई ऑन एक्स और दूसरे को अज्यूम करे थे एक्स ऑन वाई, तो ये बी एक्स वाई आ गया था 7/3, बी वाई एक्स आ गया था 7/3, बी एक्स वाई आ गया 1/4, कोई प्रॉब्लम है, तो ये अपना आर आ गया 0.763 आ गया था, डन है, आर आ गया, तो जो अपन ने माना अजम्पशन देखो इनका करेक्ट आ गया था, क्योंकि पता ही था ना मेरे को, ठीक है आर आ गया आपका, तो आर तो आपने निकाल लिए, आर आपने निकाल लिए, कोई आपत्ति, हा ना पक्का। अब देखो एक क्वेश्चन क्या क्या आता है, पहला क्वेश्चन आता है इसमें फाइंड आर,
समझ गया कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आर के लिए, उल्टी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्स वाई वाई एक्स, है ना? ठीक है। दूसरी चीज पूछेंगे आइडेंटिफाई इक्वेशन, ये भी आ गया, आइडेंटिफाई आ गया ना। तीसरी चीज पूछेंगे अरिथमेटिक मीन बताओ ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज आपको पूछेंगे एक्स बार एंड वाई बार, कब, जब दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी काम करती है, प्रॉपर्टी क्या है भैया, ये प्रॉपर्टी है, टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मीन, दो रिग्रेशन लाइन कहां इंटरसेक्ट कर दिए, मीन पे, एक्स बार वाई बार निकलेगा वैसे, कैसे, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स और वाई कैसे निकलेगा, दो रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, क्या बोल रहा हूं मैं, दो रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, जैसे ये दो रिग्रेशन लाइन दी है ना आपको, ये दो दिए ना, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, गरीब लोग ऐसे करते हैं, मैं बता नहीं रहा हूं करने को, ठीक है। 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, दूसरी है 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, बचपन में करते थे ना, कोएफिशिएंट सेम करना, यह y है तो इसको इनटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y y कट जाएगा, x बचेगा, उससे x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा, आएगा ना, तो ये जो x और y का वैल्यू आया हुआ है ना, ये x बार और y बार है, जो x और y का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अगर आप रिग्रेशन लाइन की बात कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट x बार और y बार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट x बार और y बार, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा दिए हुआ रहेगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन फाइंड x बार एंड y बार ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, पहली रिग्रेशन लाइन क्या दी है, 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, दूसरी रिग्रेशन लाइन दी है 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑप्शन ए 2.3, ऑप्शन बी 1.3, ऑप्शन सी 3.1, ऑप्शन डी 2.1, ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस काय के है, ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन के, हाँ या ना, पहला वाला जो रहेगा वो एक्स बार रहेगा, दूसरा वाला रहेगा वो वाई बार रहेगा, और हम जानते हैं कि जो दो कोरिलेशन लाइंस है, रिग्रेशन लाइंस है, ये कहां इंटरसेक्ट करती है, एक्स बार और वाई बार पे, हाँ कि ना, टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई, तो एक ऑप्शन क्या है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा विद दैट विल बी इक्वल्स टू x बार, और जो y का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y बार, क्यों, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो x और y निकालोगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे x और y के, ये बचपन में पढ़ाया था आपको, नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि भैया हां, दोनों रिग्रेशन लाइंस को या दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स और वाई, ये दो लाइंस कहां पे टच कर रही है, और जहां दो लाइंस टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका अरिथमेटिक मीन देता है, ठीक है। तो गरीब लोग क्या करते, इसको सॉल्व करते हैं, अभी पागल हो तुम, ये पॉइंट अरिथमेटिक मीन है, अगर ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा तो वो अपना आंसर होगा, आगे ना डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 2 डालो वाई की वैल्यू 3 डालो, 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18, चेक करो कितना आता, 14 माइनस 9 माइनस 18, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है क्या, क्या 0 है, नहीं है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, दूसरा डालो, ऑप्शन ए डाला, ऑप्शन बी डालो, 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18 कितना आ रहा है, 7 माइनस 9 माइनस 18
दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. अब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरी कहां से करेगा? नहीं नहीं सर, मैं दूसरा चेक करके देखता हूं. अरे पागल हो गए तुम, मत करो. सी ऑप्शन, 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 18 करो. 21 माइनस 3 माइनस 18 सर जीरो आ गया. अब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिया, अब चेक करो दूसरी करता है क्या. 4 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 11 सर ये भी जीरो आ गया. समझा क्या? ये एक पॉइंट है सी वाला जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये अपना आंसर है. साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है. जिसने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा आपने अपना एक मिनट बर्बाद कर दिया. तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है तो क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन डालेंगे, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता. ठीक है, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता. किधर काई का वो नीचे होगा सेकंड फ्लोर वाले. बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, डन है, समझ में आई बात. तो सर ये कोई है ऐसा नमूना जो बोले मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूं? नॉनसेंस है. ठीक है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई. अब यहां पे तो हमने तमीज से सॉल्व कर रखा है. देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. दिस दिस सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3. यहां पूरा सॉल्व कर रखा है. अपने को ऑप्शन दिए रहेंगे, पुट द वैल्यू इन द ऑप्शन एंड गेट द आंसर, दैट्स इट, खत्म बात. अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, उसके सामने क्या लिखेंगे, पुट ऑप्शंस. सर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आता ना, हाँ इसलिए हमको ऐसा बोल रहे हैं ना. पकड़ लिए तुमने, बड़ा अच्छी बात पकड़ लिए. ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालते आ गया. पर सर इसके लिए प्रॉपर्टी रट्टा मारना पड़ेगा हमको ये, और ये प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा क्योंकि थियरी आती है इस पे. ये पूछते हैं टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए अरिथमेटिक मीन, बी ज्योमेट्रिक मीन, सी हार्मोनिक मीन. कहा अरिथमेटिक मीन आया ना. ठीक है, डन है भैया. ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी हो गई है. क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन. भाई ज्योमेट्रिक मीन, अरे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी आया ना. तो यहां पे भी तो रूट ये है, तो जो चीज रूट में है वो ज्योमेट्रिक मीन है. तो दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सर हमको ये सब याद है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रटे वाई. पर हमको ये ज्योमेट्रिक मीन ध्यान में नहीं है, और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोला, उन्होंने थ्योरी पूछा. क्या रहता भैया, आप कंफ्यूज हो जाओगे. दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट कहां करती है, अरिथमेटिक मीन पे, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट. देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, रूट ए बी. अब यार इतना पढ़ाने के बाद अब भी तुमको नहीं मालूम तो तुमने आत्महत्या कर लेना चाहिए. अच्छा आंख में से आंसू निकालो, उस पानी में डूब के मर जाओ आंसू. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी नहीं, ये दो क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. समझा क्या, ये लिखे वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट. समझे, ये दो प्रॉपर्टीज पे कितने क्वेश्चन आते पता है आपको. अरिथमेटिक मीन बताओ, रिग्रेशन इक्वेशन आइडेंटिफाई करो. अब ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में एक मार्क के लिए नहीं आता. अगेन आपको अरिथमेटिक मीन पूछ सकते हैं, आपको रिग्रेशन इक्वेशन आइडेंटिफाई करने पूछ सकते हैं, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ सकते हैं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, जो लाइंस दिए उससे बी एक्स वाई रहेगा, बी वाई एक्स आएगा, आर निकाल लेंगे. हा ना, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ रहा है. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वेरिएंस क्या रहता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है मतलब क्या दिया है,
स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया है, और सर वो कहां काम आता है भाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का स्क्वायर? देखो मैं अपने पास इतना टाइम ही नहीं है बकर करने को, हर चीज जो बताऊंगा वो काम की है, वो सुनना है तुमने। ये स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, आर इज इक्वल टू सॉरी बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इन टू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, निकाल सकते हो? बी एक्स वाई आपको पता है कितना है? बी एक्स वाई अपन ने निकाला था 1/4 इज इक्वल टू आर दिया है आपको। अरे आर दिया है क्या? निकाला है आपने 0.763 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कितना है? वरायंस ऑफ एक्स दिया है 9, तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कितना हो गया? 3। हाँ या ना? वरायंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसा लिख के दू क्या तुमको? 3 अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। सब वैल्यू पता है, एक अननोन है, निकाल सकते हो क्या? सर नहीं, हमको वो आता नहीं ना, किसको कहां लेके जाना? 1/4 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 0.763 2.289 अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। अब आता के निकालते? अब भी नहीं आता, बता तनिश बताएंगे, सिर्फ तनिश। क्यों नहीं सर करना? ये भी नहीं आता क्या? आता नहीं है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.289। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटू 4 9.156 आ गया, ठीक है। आया सर, दूसरे फॉर्मूले से भी निकलता ही है। किसी ने ये नहीं लिया, किसी ने ले लिया बी बाय एक्स इज इक्वल टू आर इन टू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। बी बाय एक्स कितना आया था अपना? 7/3 इज इक्वल टू आर 0.763 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई निकालना है। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स पता है कितना? 3 बराबर कि नहीं? क्या करेंगे सर? ये नीचे का 3 कट गया 7, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 7/0.763 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.9.17 कुछ तो आया ऐसे, वही एक आठ डेसिमल आगे पीछे, ठीक है इग्नोर मार दो। आया सेम है, दोनों से सेम आएगा, ये भी पूछ सकते, चारों एक साथ नहीं पूछते, एक अच पूछते। फिर बता रहा हूं, ठीक है, पूरा प्रोसेस दिमाग के अंदर एक बार फिर से। सर ये लिखना है हमको, सर ये पूरा दे रखा है भाई, लिखने में मेहनत मत करो, पूरा हर एक चीज आपको पूरे आंसर के डिक्टेशन के साथ दे रखी है। अरिथमेटिक मीन सिर्फ ये क्वेश्चन 18 निकाल लो आप, ठीक है, और जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं एडिशनली वो लिख लीजिए प्लीज। अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई के सामने लिख लेना, यूज ऑप्शन मेथड ओनली, ठीक है, यूज ऑप्शन मेथड ओनली। एक्स एंड वाई, वाई वन एक्स, फाइंड यूज आर इज इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स आफ्टर फाइंडिंग बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगेन इसके लिए यही वाली चीज यूज करेंगे।
वरायंस दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन 18 घर जाके फिर से देखना है। कोई आपत्ति? एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो चार क्वेश्चन अपने आप में, और ये चार क्वेश्चन एग्जाम में आते। एक मार्क का है, इतना बड़ा क्वेश्चन एक मार्क के लिए दिया तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेता, सब तुम सबको मार के मर जाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्टी कौन सी ध्यान में आई आपको, कि जो दो रिग्रेशन लाइन्स है ये अरिथमेटिक मीन पे इंसर्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, ये थ्योरी में काम आएगा, और प्रैक्टिकल में अपन उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, अपन डायरेक्ट ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज कि भैया जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दैट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हाँ या ना, आर इज इक्वल टू ये। अब देखो यहां पे है ना, ये प्लस माइनस का साइन दे रखा है, ये प्लस माइनस के साइन को इग्नोर मार दो, अगर दोनों प्लस है तो आर भी प्लस है, माइनस है तो आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है आर नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव तो आर पॉजिटिव है, बात खत्म। इस पे कभी ज्यादा अंदर डिटेल में जाती नहीं है चीजें, ठीक है। हाँ, फिर बस अभी एक लास्ट चीज बची है, कौन सी? अच्छा, अभी यहां पे दे रखा है नॉनसेंस, ठीक है, एकदम शानदार वाली चीज बची है लास्ट वाली। ये जो अपना आंसर और उनका आंसर अलग आया ना, अपना 917 आया था, 9.17, तो ये इन्होंने 7638 लिया है, लंबी वैल्यू ले रखी है आर की, इसलिए आया हुआ है, चिंता वाली कोई बात है नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो उसको। ये वाला अरिथमेटिक मीन का किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्या चीज बची है? सिर्फ लास्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, और उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये भी हो रहा है? नहीं ना, नॉर्मल है, सिंपल है ना क्वेश्चन। अच्छा, तुमको मजाक लग रही है ना, देखो ये देखो डिटर्मिनेशन, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, हाँ। क्या देख, क्या बोला था मैंने तुमको थोड़ी देर पहले, इफ फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स ये है, कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, मतलब क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कोवेरियंस, कोवेरियंस कितना है एक्स वाई का 40, वेरियंस ऑफ एक्स कितना है 16, वेरियंस ऑफ वाई कितना है 256। मैंने बोला था सेम टू सेम बोला है मैंने, बराबर कोवेरियंस दे रखा है, वेरियंस ऑफ एक्स से आप क्या निकाल लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो गया 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो गया 256 का स्क्वायर है 16 का, बराबर। अब क्या पूछा है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बताओ, आर क्या आता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस एक्स वाई कितना है 40 अपॉन 4 अपॉन 16 0.625 आंसर, यही तो मैं करता जादू, पता है, ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये 44 नंबर का, ये अपन इसको डिस्कस करेंगे बाद में। कोवेरियंस है 15, ठीक है, कोवेरियंस है 15, तो कौन सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स और वाई पे, कोवेरियंस कितना दिया है 15, आपको बोला है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और वाई पे रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, बताओ, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये ऊपर वाला 15 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, आर की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्स 1, प्लस 1 या माइनस 1, आना, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 15 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर 13 रह गया समझ लो तो क्या हो जाएगा 15 बाई 13
1.15 आया ना, तो 15 से छोटा रहा तो ये आर 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका, इट शुड बी मोर देन 15 और मोर देन 15 है ना। मोर देन 15 समझा क्या, समझ रहे हो? आर की वैल्यू क्यों बता रहा था मैं, माइनस वन से प्लस वन के बीच में होना। ये देखो कोवेरियंस दे रखा है, फिर वेरियंस दे रखा है एक का, तो दूसरे का वेरियंस पूछा है, ठीक है। आगे देखो ये वाई दे रखा है, कोई विजन ऑफ को, ठीक है ये 5/8 है, ये तो आगे आएगा। ये देखो नहीं, ये भी होने का है भी आपका। हाँ देखो देखो, ये तो आप कार्ल पियर्सन निकाल लोगे, ये कॉन्करेंट डेविएशन निकाल लोगे। हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, रिग्रेशन लाइन दे रखी है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये एक्स ऑन वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है सेकेंड वाली, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। अरिथमेटिक मीन पूछा है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऑप्शन डालेंगे, बात खत्म है। एक आधा झंडू माम रहेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा, पाप लगेगा, बीवी भागेंगी तुम्हारी, ठीक है। क्या पूछा है, गिवन रिग्रेशन इक्वेशन, ये एक दिया है एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, बोले कौन सी वाई ऑन एक्स है, पहली दूसरी दोनों नन, बताओ कर पाओगे? एक को एक्स ऑन वाई मानेंगे, दूसरे को वाई ऑन एक्स मानेंगे, जो एक्स ऑन वाई है उससे अपने को बी एक्स वाई मिलेगा, दूसरा वाई ऑन एक्स है बी वाई एक्स मिलेगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट ले लेंगे, चेक करेंगे वन से ऊपर तो नहीं है, अगर गलती से वन से ऊपर हो गया तो जो अपन ने माना वो गलत है, वन से नीचे आ रहा है तो आर की वैल्यू वन से कम ही आती है, जो अपन ने माना वो सही है, हाँ ना। तो इसको अगर आप एक्स ऑन वाई मानते हो तो इसको आपको एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो दूसरी वाई ऑन एक्स हो जाएगी, वाई के टर्म्स में लिखना है ना। ये एक दो इक्वेशन दे रखी, अच्छा ये एक्स ऑन वाई दे रखा है आपको, वाई वी ऑन यू पूछा, ये अभी बाकी होने का। देखो क्या दे रखा है, ये रिग्रेशन लाइन दे रखी है आपको वाई ऑन एक्स की, मतलब ये क्या देंगी आपको, बी वाई एक्स देंगी। आर दे रखा है आपको, आर दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई निकाल सकते हो क्या, कैसा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अरे आर इज इक्वल टू, जब अंडर रूट होता है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये आपको वाई ऑन एक्स दिया है तो आप इससे बी वाई एक्स निकाल सकते हो, वाई के टर्म्स में लिख के। मैं बता दूं क्या आएगा, 4y इधर 5y उधर गया, देखो देखो मैं बता दूं इसको क्या बी वाई एक्स निकालना है क्योंकि ये y on x है, हा ना। तो y के टर्म्स में लिखते 4y इधर 5x उधर गया, गया क्या प्लस हो गया, इधर का 4 इसके नीचे गया, गया क्या हा ना, 5/4 होगा क्या, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स 5/4 होगा। अरे गरीबो सॉल्व करके देखो, हाँ तुम सॉलिज करना जिंदगी भर, फिर बोलोगे सर टाइम नहीं पूरता क्या करें क्या करें। अरे सब तुम कल टैटू वाले को ही लाता हो, सी लिखवा दो तुम्हारे साथ, सर पूरा सॉल्व करते क्या, अबे ओरली होता बे वो, वाई के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ये इधर जाएगा 5x। अच्छा पहली बात, अच्छा पहली बात, ये 15 की कोई औकात नहीं है, गोली मार दो साले को, ठीक साला गाली नहीं होती पहली बोल रहा हूं, ठीक है होती होंगी तो मन लो जो होता है। क्या होने वाला है, ये 5x इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, अपने को y के टर्म्स में लिखना है, 4y इधर है इधर 5x है, ये 4 इधर का इधर नीचे गया 5/4, x का कोएफिशिएंट क्या है 5/4, और x का कोएफिशिएंट बी वाई एक्स बनता है अपना, तो बी वाई एक्स आगे 5/4 है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दे रखा है 0.75, तो r का स्क्वायर 0.75 इनटू इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इनटू बी, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई इनटू बी वाई एक्स,
R square. Now, squaring both sides is equal to BXY into BYX. R कितना है मुन्ना? 0.75 का होल स्क्वायर करो. 0.75 into equals to कितना आ रहा है? 0.5625 is equals to BXY into BYX. BYX मैंने निकाला है कितना है? 5/4 BXY into 5/4. तो ये BXY क्या हो जाएगा? 0.5625 divide by 5 into 4 into 4 divide by 5 0.45 आया. सर हमको चेक करना है, ले लो BXY BYX पॉइंट नहीं कितना था ये BXY 5/4 था ना, मतलब 5/4 मतलब कितना होता है? 1.25 0.45 इंटू 1.25 का अंडर रूट आर 0.75 आ गया. गॉट इट? ऐसा क्वेश्चन आता है. अब बताओ क्या हार्ड है इसमें? ये दिया है रिग्रेशन इक्वेशन है, अरिथमेटिक मीन ये है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई पूछ रहे. निकालते आएगा, आएगा सब आएगा, बैठ के सोचेंगे थोड़ी आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोया छी बे छी 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 छी. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगे? एन वाला, एन वाला ही ना, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन. कोई बात ही यार करने की, इतना पांचट छी. टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एक्स दिया वाई दिया है, बोला था ना आपको डायरेक्टली रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी एक्स वाई बी वाई एक्स पूछा है, वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली पूछ रखा है. ठीक है, यहां बच सकते हो क्या? मैं बता रहा हूं 1.2 इंटू 0.4 का अंडर रूट. ठीक है, 1.7 इंटू 0.8 का अंडर रूट. देखो सुनो सुनो सुनो, मजा बता दो. दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है आपको, अब इसमें नहीं बचोगे आप, पर बच सकते हो कभी गलती से अगर पांचट क्वेश्चन डाल दिया तो. मतलब आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है. ठीक है, एक तरीका क्या है? आप गरीब कैसे पूरा निकालो. दूसरा तरीका, आप दोनों को मान लो बी एक्स वाई बी वाई एक्स, बी एक्स वाई बी वाई एक्स मान लो. ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन ए अपना आंसर हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन सी कभी आंसर हो ही नहीं सकता. क्यों? ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट कर लो, करो 1.7 इंटू 0.8, ये क्या हो गया? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, उसका अंडर रूट निकाल लो तो आर आ रहा है आपका 1.16, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये आंसर हो ही नहीं सकता. अरे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट निकालोगे तो जो आंसर 1 से ज्यादा दे रहा है वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, तो सी आपका आंसर हो ही नहीं सकता. ठीक है, बी वाला 1.6 इंटू 0.8 का अंडर रूट 1.13, बी भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता. डी कितना है? 1.8 इंटू 0.3 ये हो सकता है क्योंकि 1 से कम आ रहा है आर. 1.2 इंटू 0.4 का अंडर रूट ये भी 1 से कम आ रहा है, तो दो आंसर आ रहे हैं, ए या डी आंसर आ सकता है. अब यहां आपके नसीब थोड़े खराब, अगर गलती से डी में यहां 0.7 दे देता था, 1.8 इंटू 0.7 का अंडर रूट ये भी नहीं आंसर नहीं आ सकता था. बिना निकाले आपने ये आंसर लिख दिए और सही रहेगा. दूसरा बच्चा मजूरी करेगा, 3 मिनट लगाएगा पूरा n इंटू समेशन ऑफ x वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ करके. थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ता, भेजा लगाऊंगे तो भेजे में जल्दी जाएगा, नहीं तो कितना भी भेजा पर आपको समझेंगे नहीं. क्या बताया मैंने आपको? समझा क्या? कि एक जगह पे जो चीज लगानी थी वो चीज मैं एक जगह से अलग दूसरे जगह में लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाए. फिर यहां पे क्या करना? अब जो बच्चा तुक्का मारने वाला है, समझ लो आपके पास 10 सेकंड बचे, सिर्फ 30 सेकंड बचे, पूरा तो निकाल नहीं सकते, एक ही क्वेश्चन आपका बचा रह गया, पूरा निकाल नहीं सकते, तो आप 4 में से 1 पे तुक्का मारोगे, आप पास होने वाले हो, 60 के ऊपर ला रहे हैं आप.
फेल होने का दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग का लफड़ा नहीं है। अरे ये वो बच्चा है जो 75 के ऊपर लाना चाहता है, सिर्फ 30 सेकंड बचे थे सर, एक क्वेश्चन बच गया, क्या करेगा वो? पूरा सवाल होता नहीं है। अगर तुक्का मारने जाता एबीसीडी में से तो सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती 1/4, मतलब 25%। बट दो आंसर उसने नलीफाई कर दिए, अब दो आंसर में से ए और सी में से तुक्का मार रहा है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2, मतलब 0.50% सही होने की। समझे क्या? ये गेम है भाई, समझे क्या? तो ये ऐसा आगे अपने वो आएगा। इसका आंसर क्या होगा 80 का? ए आंसर। तनिष ने देख के बता दिया, उसके पास दिव्य शक्ति है, उसने घर के पश्चिमी दिशा में कांदा रखा है तो कृपा आ रही है उसके। समझा? तो क्वेश्चन कैसे आते समझ में आए? ये देखो एक्स वाई दे रखा है आपको, बोले भाई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बताओ, क्या करेंगे? बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। एक्स और वाई दिया नहीं है तो उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे, वाई बार निकाल लेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे, है ना? ये डेटा से आप एक्स बार निकाल सकते हो, वाई बार निकाल सकते हो, बी वाई एक्स भी निकाल सकते हो, है ना? काम बन जाएगा आप। हो कि नहीं? मैं तो बोलता हूं एक्स बार वाई बार को चूल्हे में जान दो। ये जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, नहीं 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 बनाना पड़ेगा क्योंकि दो जगह। अरे मैं क्या बोल रहा था आपको, एक्स बार वाई बार को रहन दो, बाद में निकालना, पहले बी वाई एक्स निकालो। क्या निकालो? पहले बी वाई एक्स, उससे क्या होगा? वाई की इक्वेशन है ना वाई ऑन एक्स, तो ये वाई के टर्म्स में रहेगी। देखो वाई 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 के टर्म्स में, और एक्स के सामने वाली जो वैल्यू है ना वो बी वाई एक्स रहेगी। तो जो आपका बी वाई एक्स आ गया, समझ लो लेट अस अज्यूम आपने बी वाई एक्स निकाल लिया, 78 का आंसर क्या है? सी है, ठीक है, 78 का आंसर आ रहा है सी। तो बी वाई एक्स आपका आएगा 0.93, ठीक है। अब 0.93 आपका आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बच गया। तो आपने जो एक्स बार और वाई बार निकालने में टाइम वेस्ट करा वो टाइम बच गया ना आपका। देखो गलती कर दी इसने, बी वाई एक्स की वैल्यू पूछी है, आर की नहीं। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तनी देखो कैसे बोले मेरा तो भूल गई वो। अरे समझे? बी वाई एक्स में क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, क्या बोल रहे हो? अमन कुमार पूछ रहा था ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके से आते, बता दिए सारे, समझ गए? मतलब ये समझ में आ गया ना कि जो मैं बता रहा था वो सच था, है ना? नहीं तो बोले सर फेंक रहे पतंग उड़ा रहे हम झेल रहे बच्चे। अब एक लास्ट चीज बची है, क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, खत्म कर देते उसको। हाँ जी ब्रेक चाहिए? हाँ। ले लो यार तुम्हारा। नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, फिर ये बचा हुआ कहाँ करूँ एक घंटा, ये एक घंटे का सेशन, फिर एक घंटे का सेशन, कोई सेंस नहीं है ना। तो ब्रेक दे सकता हूँ, छुट्टी नहीं दे सकता, छुट्टी यही आप चल जाओ, मैं अकेला पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड देख, मेरे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है? ब्रेक ले सकते हो आप, वैसे भी बहुत 5 टाइप की अलग अलग वेराइटीज कवर हो गई है, मैं खुश हूँ अभी जिंदगी से, ठीक है। एक चीज बची है अपनी, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, उसके बाद में वो 5-6 प्रोबेबिलिटी कोई विजन ऑफ डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर 1-r² वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन आते हैं मेन, तो नहीं तो मैं बोल देता खुद से पढ़ लो, बट कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि तुम नालायक खुद से पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो अभी ब्रेक ले लो एक 10 मिनट का, चाय वाय पी के आ जाओ बढ़िया से,
रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए पॉज हो जाएगा, और इसके बाद अपन शुरू करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। कुछ भी नहीं है उसमें, अभी तक तुमको जो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल पढ़ा है कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और आज इस दिन के बाद चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का लफड़ा गायब। चार जगह आता है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्शन हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन अभी खत्म हो जाएगा, खत्म है बात। और रिग्रेशन का बड़ा आसान है, मतलब आंखों से नजरों से देख के आप आंसर लाओगे। कैसे तनिष? 15 मिनट बाद मिलते हैं 3:45 को। वेलकम बैक, लेट अस स्टार्ट अगेन। फिर से क्या पढ़ने वाले अपन? चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, दिमाग फ्रिज में रख दो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। क्या पढ़ने वाले अपन? चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, ये दोनों का क्या इंपैक्ट होता है किसके ऊपर? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के ऊपर या रिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन नो इंपैक्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन के वैसे कोई इंपैक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल के वैसे इंपैक्ट है। मतलब अपन बोलेंगे कि भैया रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अपन ने जब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दिखा था काई में, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में, तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल हुआ करता था, मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई, बराबर। कोरिलेशन के अंदर हमने देखे थे चार वेरिएबल्स होते थे, कौन से? एक्स वाई यू और वी, बराबर। ये दोनों की जोड़ी थी, ये दोनों की जोड़ी थी, अपने को दिया था आर एक्स वाई दिया होता था, अपन आर यू भी निकाल देते, आर एक्स वाई 0.80 है तो आर यू भी 0.80 ही रहेगा। काय में? कोरिलेशन में, बस साइन चेंज होगा प्लस माइनस, आना अगर एक्स वाई का साइन सेम है उसके बाद में यूवी का साइन देखना है, वो सेम रहा तो प्लस 0.80 मतलब सेम रहेगा, साइन अपोजिट है यू और बी का तो माइनस, बराबर। ये पता है इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल से वैल्यू का भी इंपैक्ट होता है। अगेन यहां पे भी एक्स वाई रहेगा, यू वी रहेगा, एक्स की जोड़ी रहेगी यू के साथ, वाई की जोड़ी रहेगी वी के साथ। किसी को आपत्ति इसमें? आपत्ति है? नहीं। अब देखो मैं आपको सीधी सीधी एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन दिया है आपको, बताया हुआ है एक्स एंड यू का जो रिलेशनशिप है उसको डिनोट कर रहे यू प्लस 3x इज इक्वल टू 10 से, ये पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप काय का? वाई एंड वी का रहेगा, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2y प्लस 5v इज इक्वल टू 25, आपको दे रखा है 25। ठीक है, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको एक और चीज दे रखी रहेगी, क्या? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा दिया है? वाई ऑन एक्स दिया है, क्या दिया है? वाई ऑन एक्स दिया है, कितना है? 0.80, मतलब दैट इज आपको क्या दे रखा है? बी वाई एक्स दिया है 0.80, हाँ है ना? अगेन बता रहा हूं क्या क्या रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। ठीक है, जितने आप थके हो ना, आपसे 3 गुना ज्यादा मैं थके पाऊ। आप 11 बजे पहले आए थे, मैं पहले 7:30 से 10:30 क्लास लेके आया था। ठीक है, अब आप जाके मस्त चिल करने वाले हो, मैं फिर शाम को क्लास लेने वाला हूं। अगर मैं बैठा हूं तो ये जरूरी है। ठीक है, अपने इच्छाओं को काबू में डालते हुए, काबू में करते हुए सुन लो मेरी बात। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे, अगेन दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, तो एक्स वाई और यू वी रहेगा। ठीक है, आपको रिश्ता किस किस का है पहले ये समझ लो। चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट होता है। ठीक है, एक्स और यू का एक रिश्ता है और वाई और वी का रिश्ता है, ये हमेशा स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको एक्स और यू की एक इक्वेशन मिलेगी, आपको वाई और वी की एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स और यू की इक्वेशन मिलेगी, वाई और वी की इक्वेशन मिलेगी। सर लॉजिकल, लॉजिक को चूल्हे में जान दो, अपने कुछ नहीं करना उससे। ठीक है ना,
ये x और u का रहता, y और v का रहता, क्यों सर? x y u v, x और u का ही रिश्ता बनेगा, x और v का कभी रिश्ता नहीं बन सकता, y और u का कभी रिश्ता नहीं बन सकता, बराबर क्या? तो इक्वेशन दी रहेगी x और u के टर्म्स में, y और v के टर्म्स में दी रहेगी, दो दो ऐसी इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है? आपको b y x दिया है, इफ आपको b y x दिया है तो आपको क्या पूछेंगे? If b y x is given, तो आपको पूछेंगे then b y x का उल्टा, y x मतलब क्या, उधर क्या रहेगा? v u, अबे x y x दिया है तो x y क्यों पूछेंगे यार, वो x y पूछा तो नॉर्मल चीज हो गई, आपको पूछेंगे b v u। अगर आपको b x y दिया है तो आपको पूछेंगे b u v, x y u v, उल्टा y x तो v u, डने? समझे क्या? b y x दिया है तो b v u ही पूछेंगे, और b x y दिया है तो b v u ही, u v ही पूछेंगे, x y दिया है u v पूछेंगे, बात खत्म, डने? किसी को आपत्ति इसमें? देख लो एक बार, इसको लिख लो पहले एक बार, ठीक है? ये लिख लिया कि बात खत्म हो गई है? कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? कल का नहीं पता, कल पे सवाल है, पढ़ाना फिलहाल है, कल का देखते, कल मालूम पड़ा मैं जिंदा ही नहीं रहा मर गया तो, इसलिए मैं बोला खत्म कर देता हूं, कहा तुम्हारे बीच में रह जाएगा, मेरी जगह कोई आएगा तो मेरे जैसा पढ़ाएंगा क्या? अपन तो कॉमेडी शो चलाते रहे, पढ़ाना तो क्या साथ साथ में टाइम पास कुछ ना कराना पड़ेगा ना, वैल्यू एडिशन। हाँ अब बाकी वही है जो अपन ने पढ़ रखा है, और फिर इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखवा दूंगा आपको, बाद में कभी जिंदगी में रेफर करना है तो उसके लिए। हम भी आत्मा बनकर आएंगे आपके पास पढ़ने। क्या बात बोले मैडम, दिल जीत लिया आपने एकदम, मतलब दिल जीत लिया, क्या बात है। अच्छा देखो नलायक क्या कह रही है, आप मरेंगे तो हम भी मरेंगे साथ, क्या प्यार है, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू, एकदम दिल से शुक्रिया। ठीक है हो गया, अब सुनो 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 पापी, सुन लो मेरी बात, डन है? अब आपको पूछा जा सकता है दो चीज, अपने को क्या दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी वी यू पूछा है, आगे वही पूछा रहेगा, ये है फाइंड बी वी यू, ठीक है? अब वन बी वाई एक्स, नहीं इसको सीधा लिखता हूं ना मैं, एक्स वाई इज गिवन, बी यू वी इज आस्ट, बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, b y x is given and b v u is asked, बराबर है, b v u नहीं, u v is equals to b x y, b u v is equals to b x y into into, सुन लो कुछ तो भी है जिसमें ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, बताओ ऊपर क्या रहेगा? हाँ देख मेरी दीदी, अभी तक अपन ने क्या करा था, अरे जब निकालना था बी एक्स वाई तो स्टैंडर्ड डिवीशन था, ऊपर कौन सा था, x, नीचे कौन सा था, y, मतलब पहले वाली चीज ऊपर दूसरे वाली चीज नीचे, हाँ या ना? तो ये भैया बी एक्स वाई है तो ऊपर क्या रहेगा बताओ, चेंज ऑफ स्केल ऑफ x अपॉन चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, बराबर है, नीचे b v u इज इक्वल टू b y x इंटू ऊपर स्केल ऑफ y अपॉन स्केल ऑफ x, बराबर क्या? ऐसा है दो चीजें यही रहेगी, देखो ये पूछा है तो ये गिवन रहेगा,
ये पूछा है तो ये गिवन रहेगा। अपने एग्जांपल में क्या पूछा है, ये पूछा है और ये गिवन है 0.80, हाँ है ना, मतलब ये निकालना है सर अपने को, स्केल ऑफ एक्स स्केल ऑफ वाई क्या रहता है ना, बस वही निकालना है, गेम ही उस पे। पहले उसको सॉल्व करके बताऊंगा, बाद में नजरों से निकालेंगे और ओरली आंसर देंगे, कैलकुलेटर पे 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसे पूरा स्टोरी बना रहा हूं क्रिएट, इतना थोड़ी करना है, गरीब लोग करते हैं ऐसे। ये देखो ये लिख दिया आपको, ये आपकी समरी नोट्स में, बी यूवी इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू स्केल ऑफ एक्स नीचे स्केल ऑफ वाई चेंज ऑफ स्केल ऑफ, अरे मेरे को नहीं लिखना है चेंज, मेरे को मालूम है चेंज से फर्क पड़ता, मैं नहीं लिखता स्केल ऑफ एक्स स्केल ऑफ वाई, ध्यान रहेंगे ना, चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स आधी एनर्जी खत्म हो जाती, बी यूवी और बी वी यू लिखो इसको, पहले जो आपने लिखा उसके नीचे लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, बी यू इज गिवन एंड बी वी यू इज आस्क्ड, नहीं नहीं मरता नहीं, ठीक है। डेविल संदीप कहां आ गया बीच में से, एकदम पगले कहां गायब हो गया था, ठीक है। अब एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं, स्केल मतलब सारा शहर जानता है, स्केल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, बराबर है, स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो सारा शहर जानता है। सर ये दोनों चीजें निकालनी है आपको, ये एक चीज और ये दूसरी चीज आपको निकालनी है, स्केल ऑफ एक्स स्केल ऑफ वाई दोनों सेम ही रहेगा, हा ना, तो दोनों एक इक्वेशन से बनेंगी क्या, सर दोनों एक इक्वेशन से बनती थी तो दो इक्वेशन काय को देते, पागल है वो, लिखो पहले आप इसको लिखो, मैं नीचे नोट लिखता हूं, नोट स्केल ऑफ एक्स यू वाली इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, स्केल ऑफ वाई वी वाली इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट, खत्म हो गई बात, एकदम ऐसे गावरानी तरीके से जंगली ऐसे लिखते नहीं कोई, कोई ये लिखता है ऐसे यू वाली इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, भाई ये काम आता है, वो इंग्लिश याद नहीं रहती बाद में लास्ट टाइम मोमेंट पे, ये गप 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 याद आ जाता है, ठीक है सर यही हूं मैं, गाना का फिर यही हूं मैं, कितने करोड़ की घड़ी है सर जी, बाप रे करोड़ की नहीं है भाई, बीवी ने दिया था शादी के, मतलब वो क्या बोलते उसको, एंगेजमेंट का गिफ्ट है, इसलिए संभाल के रखा हुआ, जैसे बहुत सारी लिया उसके बाद में बहुत सारी खराब हो गई, ये खराब नहीं होने दिया, अभी मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ी डिप्रिशिएट हो रही है तो इसको स्पेशल ओकेजन पे पहनना पड़ेगा। एक दिन क्या हो गया, वो ग्रिल रहती ना, मैं प्रीशा के साथ खेल रहा, ये ग्रिल को लग गई ये वॉच, दिशा में प्रीशा थे वो पार्क रहे थे ना उसमें, वो ग्रिल के साथ खेल रहा, मतलब प्रीशा के साथ ग्रिल पे वॉच लग गई, दिशा ऐसे देखती मेरे को, हाँ मान लो सही है, ठीक है। चलो स्केल ऑफ एक्स कहां से निकालेंगे सर, ये स्केल ऑफ एक्स स्केल ऑफ वाई कहां से निकालेंगे, तो यू वाली इक्वेशन में जो एक्स के सामने रहती ना वैल्यू वो स्केल ऑफ एक्स है, स्केल ऑफ वाई कहां से निकलेगा, वी वाली इक्वेशन में जो वाई का कोएफिशिएंट रहता वाई के सामने वैल्यू रहती थी वो बन जाएगा स्केल ऑफ वाई, डन है, ये थ्योरी है पूरा लिख लिया थ्योरी, ठीक है डन। अब देखो भाई ये यू वाली इक्वेशन है, हा ना, तो इसमें चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई निकले एक्स निकलेगा, इसमें x निकलेगा, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, u वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी ना, तो u विल बी इक्वल्स टू -3x + 10, किसी को आपत्ति है, u इज इक्वल्स टू, अरे u लिखना पड़ेगा ना u के टर्म्स में, अब कोई नालायक ऐसा होगा जो बोल रहा है सर ये डायरेक्ट मैं 3 लिख देता हूं, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ना सब वेस्ट चले गया, अरे अलग कुप्चे में लेना पड़ता तुमको तो मालूम है, तभी तो वैल्यू निकलेगी,
सही हाँ देयरफोर स्केल ऑफ एक्स कितना है, स्केल ऑफ एक्स है माइनस थ्री, स्केल ऑफ एक्स कितना है माइनस थ्री, यहां से स्केल ऑफ वाई निकलेगा, वाई निकालना है तो काय के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, वी के टर्म्स में है ना, फाइव वी इज इक्वल टू पच्चीस माइनस टू वाई, हाँ ना बोलो, देयरफोर सर वी चाहिए, पांच जबरदस्ती कबाब में हड्डी बन रहा है उसको उधर लेके चल जाओ, y इज इक्वल टू पच्चीस अपॉन पांच माइनस दो अपॉन पांच इंटू वाई, आना देयरफोर स्केल ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टू बाय फाइव। अब देखो मैं अगर चेंज ऑफ स्केल ऑफ y लिखता था क्या हासिल हो जा रहा है उससे, कौन स्टेप वाइज मार्किंग चेक करने आ रहा है, आंसर से मतलब है ठीक है, और दिल के अंदर तो पता है ना कि वो चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई है, कुछ कुछ बातें दिल में ही रखनी पड़ती, हाँ हाँ समझा क्या करें अपन ने, यू वाली इक्वेशन से यू की वैल्यू निकाला, देखो एक बार यू वाली इक्वेशन है यू की वैल्यू निकाला, उसमें जो कोएफिशिएंट है एक्स का वो हो गया चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, है ना, देखो मैंने ये लिखवाया था क्या स्केल ऑफ एक्स यू वाली इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, यही है बराबर लिखवाया, कुछ गलत कर दिया नहीं ना, स्केल ऑफ वाई वी वाली इक्वेशन में फाइव भी था तो वाई, अरे ये इधर गलती वी था, ये वी होना चाहिए ना, वी इज इक्वल टू फाइव माइनस टू बाय फाइव वाई, मैंने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया फिर भी आंसर बराबर आ गया, ये है मेरा स्केल ऑफ वाई माइनस टू बाय फाइव, हुआ क्या हुआ, इसको लिखिए एक बार, इसको बनाइए मतलब खुद से बनाओ, ये एक्स और वाई की इक्वेशन है, यहां से चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स निकालो, ये दूसरे इक्वेशन से चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई निकालो और चेक करो बराबर आता है क्या, क्या करेंगे यू वाली इक्वेशन में यू को एक साइड बाकी सबको दूसरे साइड फेंको, ठीक है यू वाली इक्वेशन में यू को एक साइड बाकी सबको दूसरे साइड फेंको, ये घड़ी खराब हो जाती तो आप सही नहीं रहते, बराबर है बेटा, मैं सोच रहा हूं उसको म्यूजियम में रख दो अभी, ठीक है सर यही हूं मैं, वाह वाह अर्जुन वैली ने, नहीं भाई अर्जुन वैली ने कुछ नहीं करा, अर्जुन वैली ने यहां से निकाला चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स माइनस थ्री आया, चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई माइनस टू बाई फाइव आया, ठीक है ठीक है, अपने क्या पूछा था भैया अभी बी क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन में बी वी यू दिया था ना अपने को, हाँ वाई एक्स दिया था, बी वी यू पूछा था इज इक्वल टू बी वाई एक्स पॉइंट एट जीरो इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई कितना है टू बाई फाइव, हाँ ना माइनस टू बाई फाइव ऊपर नीचे माइनस थ्री नीचे होगा कि नहीं, स्केल ऑफ एक्स और स्केल ऑफ वाई निकाल लिए क्या आपने, अरे हाँ ना पहली इक्वेशन दे रखी थी u प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन, ठीक है u इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टेन, देयरफोर स्केल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है दूसरी इक्वेशन दे रखी थी 2y प्लस 5v इज इक्वल टू 25, अपने को क्या निकालना है स्केल ऑफ y, तो v के टर्म्स में 5v इज इक्वल टू 25 माइनस 2y, v इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 माइनस 2 बाय 5y, स्केल ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, बराबर है पूछा क्या है b y, नहीं नहीं वी यू पूछा है, वी यू इज इक्वल टू क्या होगा बी वाई एक्स इंटू ऊपर स्केल ऑफ वाई अपॉन नीचे स्केल ऑफ एक्स, हा ना पॉइंट एट जीरो इंटू स्केल ऑफ वाई कितना है माइनस टू बाय फाइव डिवाइडेड बाय
माइनस टू बाय फाइव डिवाइड बाय माइनस थ्री, माइनस माइनस गया, 0.80 इंटू टू ऊपर, पांच नीचे, इंटू थ्री भी नीचे, यही आएगा 0.8 इंटू टू डिवाइड बाय 15, 0.1066, ये आ गया BVU, आया या 8/75 भी कह सकते हो उसको, समझा? क्या करना है बेसिकली अपने को, कुछ भी नहीं करना है, स्केल ऑफ एक्स देखना है, स्केल ऑफ वाई निकालना है, डन है? वेरी गुड, शाबाश। अब एक बार फिर से देखते क्या क्या दिया रहेगा, कैसा कैसा पूछा रहेगा, लियो छापना है तुमको, छापो गरीबो। छापने में लग जाते हो तुम, कुछ है ही नहीं उसमें छापने लायक, सब कुछ खुद से करने लायक है। डन है भाई, ठीक है, बस अभी देखो क्या करेंगे अपने को, एक u और x की इक्वेशन देंगे, और एक y और नहीं v और y, ये दो साथ में है, ये दोनों साथ में बराबर है, एक इक्वेशन देंगे u एंड x का, दूसरा इक्वेशन देंगे v एंड y का, ठीक है। u एंड x की इक्वेशन में अपने को u के टर्म्स में लिखना है, पहली बात तो u के टर्म्स में लिखना है, और वहां से जो x का कोएफिशिएंट है वो अपना चेंज ऑफ स्केल ऑफ x हो गया, इसको v के टर्म्स में लिखना है, और जो y के सामने वाला कोएफिशिएंट है वो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y हो गया, ठीक है। पूछा क्या रह सकता है, पीछा रह सकता है b u v और b v u पूछा रहेगा, u v कैसे आएगा, b x y इंटू स्केल ऑफ x अपॉन स्केल ऑफ y, इधर क्या रहेगा, बी वाई एक्स इंटू स्केल ऑफ वाई ऊपर, स्केल ऑफ एक्स नीचे, ठीक है। स्केल ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, यू वाली इक्वेशन को यू के टर्म्स में लिखेंगे, और जो एक्स के सामने वाली वैल्यू है वो हो गया स्केल ऑफ एक्स बराबर। वाई की स्केल कैसे निकालेंगे, वी वाली जो इक्वेशन है उसको वी के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है ना, और जो y का कोएफिशिएंट है वो अपना हो जाएगा स्केल ऑफ y, डन है भैया। अब देखो नजरों से करते हैं, कैसे नजरों से, यहां देखो एक बार मेरे को बताओ, ये 10 ने क्या उखाड़ा जिंदगी में, इस 10 ने नॉनसेंस है ये, पहले काटने का, ठीक है, ये 25 ने क्या उखाड़ा, ये 25 कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस है सर, बराबर। अगर अब अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है और आपको पता है ये 10 की कोई इज्जत नहीं है, तो आप सीधा लिखोगे u प्लस 3x इज इक्वल टू, कुछ भी मत लिखो, छोड़ दो उसको, बराबर है, हाँ ना? आपको मालूम है u के टर्म्स में लिखना है, आपको मालूम है u के टर्म्स में लिखना है, आपको मालूम है u और x से चेंज ऑफ स्केल ऑफ x निकलेगा, आपको मालूम है ये माइनस 3x कबाब में हड्डी बन रहा है, उसको राइट में भेजना है, आप देखोगे u इधर, प्लस 3x इधर गया, माइनस 3x है ना, चेंज ऑफ स्केल ऑफ x कितना हो गया, माइनस 3 ओरली दिखा गया, नहीं सर ऐसा नहीं करते, पहले क्वेश्चन बताओ क्या पूछ रहे, बी एक्स वाई दिया रहेगा, बी यू वी पूछा रहेगा, बराबर है, बी यू वी इज इक्वल टू आप लिखोगे बी एक्स वाई इंटू स्केल ऑफ x अपॉन स्केल ऑफ y, बराबर है। अब ये तो आपको दिल में पता है, आपको ये भी पता है कि बी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है, समझ लो 0.60 दिया है, ठीक है, इक्वेशन दिख रही है आपको आपके सामने, कौन सी इक्वेशन दिख रही है, मैं दिखाता हूं आपको, 3u प्लस 7x इज इक्वल टू 12, ये पूरा दिख रहा है आपको, मेरे को नहीं दिख रहा है ये,
मेरे को ऐसा दिख ही नहीं रहा है, मेरे को ये 12 दिख ही नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है 3u प्लस 7x। राइट साइड में कुछ तो भी मैं देख ही नहीं रहा उसको, मेरे को ये मालूम है क्या u की वैल्यू चाहिए अपने को, 7x उधर गया, गया क्या माइनस हो गया, ये इधर का जो 3 के u के साथ वाला 3 है इधर नीचे आया क्या, माइनस 7/3 दिखा क्या स्केल ऑफ x, माइनस 7/3 ऐसा। अब दूसरी इक्वेशन बताओ सर, 5v प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 6 दिख रहा है आपको, दिखना ही नहीं चाहिए, 5v माइनस 2y गया उधर माइनस हो गया, 5 नीचे गया माइनस 2y 5 आया, पॉइंट 60 इंटू 7 ऊपर 3 नीचे इंटू 2 इधर इंटू 5 ऊपर। अब जिसको ये सॉल्व नहीं करते आता मेरी गलती नहीं है, आठवीं जाओ सर ये कैसे सॉल्व करना, बेसिक का लेक्चर है मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा माफ करना, इसलिए पहले 3 लेक्चर माफ करे इसमें वेस्ट करे। और जिसको नहीं आता उसने क्या करना, कैलकुलेटर में 7/3 का वैल्यू लेना और यहां पे लिखना, कैलकुलेटर में 2/5 का वैल्यू लेना यहां पे लिखना और फिर उसको वापस से सॉल्व करना, हो जाएगा। अब जाके बेसिक में मत देखना वापस से, ठीक है। हाँ क्या आंसर आएगा इसका, 0.6 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 6, 3.5 है क्या, ठीक है जो भी है, ये हाइपोथेटिकल है थोड़ा, ठीक है ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है पर ठीक है अपने लिए काफी है, समझे क्या, क्या करेंगे अब करोगे क्या गरीबों जैसे सवाल, पागल मास्टर क्या पूछा है बोल भाई तू, डायरेक्ट पूछ क्या पूछा है, मैंने बोला साफ 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 चेंज ऑफ स्केल ऑफ, नहीं नहीं मैंने बोला साहब आपको बी वाई यू वाई एक्स दिया है, आपको क्या पूछा है, क्या पूछा हुआ हो सकता है ये बताओ, वाई एक्स दिया है तो पूछा क्या रहेगा, बी वी यू, कभी यू भी पूछ सकते क्या, ना कभी नहीं पूछ सकते, बी एक्स वाई दिया है क्या पूछा है, बी यू वी, ठीक है। अब अगर मेरा लेने का मन हो गया आपकी, ठीक है तो मैं क्या करूंगा सुन लो, ये बी एक्स वाई वाई एक्स देना है, मैं बी वाई एक्स नहीं दूंगा आपको, बी एक्स वाई दूंगा, बी एक्स वाई दूंगा, बी वी यू पूछ लूंगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नेक्स्ट लेवल वाला, मैंने क्या दिया बी एक्स वाई दिया और आपको बी वी यू पूछा, प्लस मैंने आपको एक और चीज दे दी, कौन सी क्या देना पड़ेगा, हाँ एक ही लड़की पढ़ा रहा हूं मैं सर, मैं दे दूंगा आपको R, ये R है बी एक्स वाई है, आप बी वाई एक्स निकाल लेना और उससे आप ये निकालो, बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, नहीं आता है कभी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ऐसा, बट अगर जेई की लेवल की बात करो या अच्छे साइंस पढ़ाई की बात करो तो क्वेश्चन आएगा ऐसा, गब 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 गब। अब बोलने के बाद कितना सोफा लग रहा है, बोले क्या बात है उसमें, एक्स वाई दिया है हम वाई एक्स निकाल लेंगे आर के साथ में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई एक्स से हो जाएगा, बोलने के बाद सोफा है, पर बिना बोले सोचना, आप सोचो क्या आप डायरेक्टली पहली बार जब आता क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, नहीं, आधे बच्चे क्या बोलते हैं सर गलत है गलत है गलत है, फिर कुछ लोग यूट्यूबर्स आ जाते बच्चों बोनस मार्क मिलेंगे बोनस मार्क मिलेंगे, क्वेश्चन गलत था, अबे झंडू माम तेरे को मैथ्स नहीं आता, तू कहा बता रहा है क्वेश्चन गलत, ठीक है लाइक करे शेयर करे अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करे, ठीक है डन है भाई। तो ये ऐसा विषय है अपना, अब देखो यहां पे क्या ज्ञान दे रखा है, वही लिखे हुआ है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अनचेंज है बट चेंज होता है, फिर ये अपना आंसर आ गया है बराबर है, यहां अपना रिग्रेशन खत्म, ठीक है। अब कुछ चुटमुट चीजें है जो क्वेश्चन में आती है, बच्चे छोड़ के आते हैं फुगट के मार के, कैसे फुगट के, क्वेश्चन आता है आपको बुक में भी मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताओ, ये थ्योरी है सारी, ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताओ, आपको आर दिया रहेगा आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है आर स्क्वायर, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन कितना है 1 माइनस आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन है इसका, देखो
मिलेगा कहीं ना कहीं, तब तो दिखा था। हेलो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइनस नाइन है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कितना रहेगा, माइनस नाइन का स्क्वायर 0.81, बी आंसर। ठीक है, हा ना। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, ये अभी आपको अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो होता ऐसा है ये कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब होता है एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वैरायंस, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वैरायंस, आर स्क्वायर कितना है, एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वैरायंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कितना है, 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये याद रखना है, दैट्स इट, खत्म बात। डिटरमिनेशन क्या रहता, नॉन डिटरमिनेशन क्या रहता, गोली मारो उसको, ठीक है। प्लस एक चीज बड़ी फेमसली आती है और इतना पांचट है, इतना पांचट क्या बताऊं मैं तुमको। अब यहां रिग्रेशन खत्म हो गया, अपन बात कर रहे भी कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों के साथ में मिला के, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, हमने आर निकाला, हमने क्या निकाला, आर कितना है, कहां से निकाला, कुछ 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से ना, मतलब सैंपल से निकाले भाई, आया ना, सैंपल से निकाले भाई ना, क्या टोटल पॉपुलेशन का आर है। माफ करिएगा, ये फुगट के मार के प्रोबेबल एरर वाले। मैंने आर निकाला, दो वेरिएशन वेरिएबल्स थे मेरे पास, एडवर्टीजमेंट और सेल्स। मैंने पिछले 10 साल के एडवर्टीजमेंट लिया, पिछले 10 साल के सेल लिए, उसके बेसिस पे मैंने आर निकाल दिया। क्या मैंने अभी तक के जितने साल है उतने सबके एडवर्टीजमेंट लिए, सबके सेल लिए? नहीं, मैंने ऑब्वियसली कुछ सैंपल डेटा लिया। तो ये जो आर है इसके अंदर एरर होने की संभावना है कि नहीं है, क्योंकि ये जो सैंपल का आर है ऑब्वियस है ये पॉपुलेशन के आर से अलग हो सकता है, या ना। तो आपको क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन का आर बताइए। जैसे मैंने आर निकाला 0.70, फिर इसका मेरे को प्रोबेबल एरर निकालना है। क्या निकालना है, एरर निकालना है कि एरर होने की कितने परसेंट संभावना है। मैंने एरर होने की संभावना निकाली तो मेरे को समझ में आया 0.10 है। प्रोबेबल एरर कितना है मेरा 0.10, मतलब जो आर मैंने निकाला है सैंपल का वो 0.70 है। पॉपुलेशन का आर कितना हो सकता है, सर देखो आपने आर निकाला 0.70, गलती होने की संभावना कितनी है 0.10 की, तो पॉपुलेशन का आर हो सकता है आपका 0.70 माइनस 0.10, 0.60 हो सकता है अगर कम रहा तो, या 0.70 प्लस 0.10, 0.80 भी हो सकता है, क्योंकि गलती 10 माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी हो सकती है, आया ना। जैसे मैंने बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाले, मैंने बच्चों के क्या निकाले, एवरेज मार्क्स, ठीक है। एवरेज मार्क निकाले, सारे बच्चों के नहीं निकाले, सैंपल लेके निकाले, एवरेज मार्क निकाले, एवरेज मार्क आए मेरे 60, ठीक है, सैंपल से निकाले भाई। तो जो पूरे बच्चों के मार्क्स है उसका एवरेज कितना होगा, उसका मैंने प्रोबेबल एरर निकाला तो प्रोबेबल एरर आया 5 मार्क्स। अब मेरे को बताओ बच्चों के एवरेज मार्क कितने रह सकते, 60 प्लस 5 65 हो सकते क्या, अरे प्लस में गलती हो सकती है माइनस में भी तो हो सकती है, आया ना। सोचो ना, मैंने बोला बच्चों के मार्क एवरेज 60 है, ठीक है, और 5 मार्क ऊपर नीचे, अपन बोलते ना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब क्या, 5 मार्क कम भी हो सकते हैं, 5 मार्क ज्यादा भी हो सकते हैं, तो रेंज कहाँ है बताओ, 55 से लेके 65 तक, आया क्या। तो रेंज कैसे निकलेंगी भैया, आर ये 55 कैसे आया, आर माइनस प्रोबेबल एरर, ये 65 कैसे आया, आर प्लस प्रोबेबल एरर, है ना। तो रेंज या लिमिट हो जाती है काई की,
पॉपुलेशन के आर की, पॉपुलेशन के आर की आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, ये लिमिट है पॉपुलेशन के आर की। वो अपन जो बोलते हैं ना पांच ऊपर नीचे कम ज्यादा, बोले मोटा मोटी इतना हिसाब है भैया, 0.70 का रिलेशन है, 10 ऊपर नीचे मतलब 10 नीचे या 10 ऊपर भी हो सकता है, समझे क्या? तो लिमिट कहां से होगी, 0.60 से 0.80, ये पॉपुलेशन की लिमिट है आर प्लस पीई प्रोबेबल एरर। ठीक है, 5-8 क्वेश्चन आता है इस पे फालतू का, ठीक है। ये प्रोबेबल एरर कहां काम आती है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते वक्त, समझ में आया ना? क्यों प्रोबेबल एरर क्यों निकालते, क्योंकि जो हमने सैंपल का आर निकाला है और पॉपुलेशन का जो आर है उसमें थोड़ी सी गलती होने की संभावना है कि नहीं है, है ना? सिंपल, डिफाइंड एज प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.674 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट एन, ये फॉर्मूला है इसका। प्रोबेबल एरर क्या आता है, 0.674 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। इस पे क्वेश्चन आएगा 5-8 सा, 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, छोड़ना मत इसको, ठीक है। आर क्या रहेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बराबर है, एन मतलब आपको दिया रहेगा नंबर्स कितने, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबल एरर का एक और फॉर्मूला है, 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। अब देखो ये 2/3 और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है 1 माइनस आर स्क्वायर बाय एन, तो मतलब ये जो आपने लिखा है सर, ये वाला ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताओ, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, है ना। देयरफोर इसके वैसे लिखते प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.674 को मैं 2/3 लिख दूं क्या, लिख सकते हैं, 2/3 मतलब 0.66 होता है, बट उतना अप्रोक्सीमेशन चलता है और वो दिए हुआ है, इनटू इसके जगह पे स्टैंडर्ड एरर लिखूं, किसी को आपत्ति है, स्टैंडर्ड एरर, ये एक और फॉर्मूला। सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, फुकट के जेब में लेके घूमना मार्क, बोले कितने मार्क, 2 मार्क तो प्रोबेबल एरर के, 1 मार्क, 2 थोड़ा फॉर्म में आके बोल दिया, ठीक है। हाँ, प्रोबेबल एरर क्यों बनती है पहले ये बताओ, जब आप पॉपुलेशन का देखते हो ना आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट और सैंपल का देखते हो तो थोड़ी गलती होने की संभावना है, ठीक है। फॉर्मूला ये बताए, हा ना, लिमिट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय आर प्लस माइनस पी, बराबर है, ये बताया था आर क्या है, सॉरी पी क्या है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी लिमिट है, ठीक है। ये तीनों चीजों को इग्नोर मार दो, अभी प्रोबेबल एरर कभी निगेटिव में हो सकती है क्या, गलती होने की संभावना है निगेटिव में, बोले असंभव है -10 पर है, ऐसे थोड़ी होता है, गलती होने की संभावना थोड़ी प्लस में ही रहेंगे हमेशा, बस ये एक एमसीक्यू ध्यान में रखना और ये लॉजिकल है, प्रोबेबल एरर कैन नेवर बी निगेटिव, है ना। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है, घर पे जाके करना है, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रोबेबल एरर निकालो, बोले आर दे रखा है 0.8, एन दे रखा है 25, तो क्या हो जाएगा, 0.674 इंटू 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अपॉन रूट 25, ये आ जाएगा आपका आंसर, आएगा नहीं आएगा, मतलब अभी उसको इसको टाइम नहीं दे सकता, नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा, ये 5-8 है, करना है, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। फिर ये आपको आर दिया है, एन दिया है, प्रोबेबल एरर पूछा है और लिमिट भी पूछी है, ठीक है। प्रोबेबल एरर पूछा है, प्रोबेबल एरर निकालेंगे तो 0.674 इसको बाद में करेंगे इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49 अपॉन 64 का रूट मतलब 8, उसको इंटू 0.674 प्रोबेबल एरर आ रही है ये 0.043, आया गया, ये आ गया होगा आपका भी, ठीक है। आगे होगा, आगे आर कितना है 0.7, उसमें इतना प्लस या उतना माइनस,
हाँ कि ना, तो 0.7 प्लस माइनस 0.043, तो प्लस करेंगे तो इतना आएगा, माइनस करेंगे तो इतना आएगा, ये आर की बात हो गई। तो बेसिकली कुछ नहीं है, और क्वेश्चन ऐसा ही चाहता, इसके अलावा कुछ ही नहीं आता। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये 19th वाला भैया, प्रोबेबल एरर बताओ, आर स्क्वायर निकालने का, उसको वन में से माइनस करने का, रूट एन निकालने का, और जब प्रोबेबल एरर की क्वेश्चन आएंगे ना, तो एन परफेक्ट स्क्वायर में रहेगा। जैसे देखो यहां 25 था, रूट 25 5, अगले क्वेश्चन में 64 था, कभी 100 रहेगा, कभी 121 रहेगा, समझ रहे हो, ताकि वो रूट एन पॉजिटिव पूरा प्रॉपर मोटा मोटा होल नंबर है, समझोगे, समझा, ये हुई बात। उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी वाले पार्ट में क्या क्या आएगा, बेस्ट मेजर कौन सा है, पियर्सन है, मैंने बता दिया था आपको, कार्ल पियर्सन बेस्ट है, ठीक है। अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उनके बीच का कोरिलेशन आर कितना होगा, ऑब्वियस है जीरो ही होगा, हा कि ना। अगर हाँ ये देखो, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट अलग है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो उनका आर जीरो आएगा, बराबर है। थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर आर जीरो आ रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, पर आप थ्योरी के लिए याद रख लें, ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि भैया आपका आर जीरो आ रहा है बट दोनों में कोई रिश्ता है, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, आप आर निकाल के देखना जीरो आएगा, बट एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, अब सुनो डायलॉग, दो चीजें या दो लोग जिनमें कोई रिश्ता ना हो के भी रिश्ता हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉनसेंस रिश्ता, नाजायज रिश्ता, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, भावनाओं में मत आओ, बकवास में करता नहीं क्लास में, ठीक है, बकवास में क्लास में करता नहीं। देर आर सम केसेस वेन वी मे फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विच आर नॉट कैजुअली रिलेटेड, जिनका रिश्ता नहीं है पर उनमें कोरिलेशन दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्यूरियस कोरिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, स्प्यूरियस और नॉन सेंस कोरिलेशन, क्या बोलते हैं, नॉन सेंस। तो जो दो लोग जिनमें रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी रिश्ता है, कैसा रिश्ता है वो, नाजायज मत बोलना, नॉन सेंस रिश्ता, और इस पे थ्योरी है, इस पे थ्योरी है, स्प्यूरियस कोरिलेशन मिलेगा तुमको, इसलिए बता रहा हूं। तो दो लोग जिनमें रिश्ता ना होने के बावजूद भी रिश्ता है, वो क्या है, स्प्यूरियस या नॉन सेंस। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है, ए और बी में डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है बट सी एक ऐसा वेरिएबल है जिसका ए के साथ भी रिश्ता है, बी के साथ भी रिश्ता है, समझे क्या। वैसे देखो अभी अभी थोड़े टाइम के लिए समझो, मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, मैं रुको, ठीक है, थोड़े टाइम के, चलो अपन ये बात करते तनिष्क की, तनिष्क की बड़ी बहन है, बड़ी बहन है तेरे को, नहीं है, ठीक है, आज से है, ठीक है, तनिष्क की बड़ी बहन की शादी हो गई है, तनिष्क के जीजू है, ठीक है, और उनकी एक छोटी बहन है जो तनिष्क की इतनी है, ठीक है। अब तनिष्क और वो लड़की कोई रिश्ता है क्या, नहीं, बट वो लड़की का तनिष्क के बहन से भी रिश्ता है, तनिष्क से भी रिश्ता है ना, तो इनका भी रिश्ता जम ही जाएगा। देखे नहीं तुमने बहन की ननद को बटाए, तो ऐसा, ठीक है, या वो जीजा साली वाला, नहीं जीजा साली नहीं, कौन सा, वही अपने जीजा का पति, पति नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, देव, नहीं नहीं दीदी का देवर, बराबर ना, जीजा अपनी दीदी का भाई, जम जाता है यार, ठीक है, जाने भाई, फिर गाना गाएगा तनिष्क, कौन सा, दीदी तेरा, नहीं तनिष्क नहीं गाएगा रे, गलत हो जाएगा विषय, तनिष्क देवर, हाँ चल। तो दो लोग जिनमें रिश्ता ना होके भी रिश्ता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस या स्प्यूरियस कोरिलेशन, डन है, दैट्स इट। उसके बाद डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर,
अब देखो ये आर स्क्वायर में लिखा गया है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या है इसको अगर मैं थोड़ा लॉजिकली समझाऊं, डिटर्मिनेशन मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसके वजह से हमको पता चल रहा है कि भैया वराइंस क्यों आ रहा है। अभी वराइंस क्या होता है समझो एक चीज, आप आगे चल के इंटर में जाओगे ना कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ोगे वराइंस, ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं जो चीजें बदलती है, जैसे हमने छोड़ो ठीक है, टोटल वराइंस है मेरा ठीक है, उसमें से या टोटल वेरिएशन है ठीक है, 10 का वेरिएशन है या 10 का डिफरेंस आ रहा है ठीक है, मैंने जो सोचा था उससे 10 का डिफरेंस आ रहा है, या आपके मार्क्स की बात कर लेते हैं ठीक है, मार्क्स में वेरिएशन कितना आ रहा है, आपने सोचा था 60 आएंगे 50 आ रहे ठीक है, तो टोटल वेरिएशन कितना है 10 का बराबर, उसमें से आपको मालूम है कि आपने ये टॉपिक छोड़े हुए उसके वजह से 6 मार्क कम है, मतलब 6 मार्क का जो डिफरेंस है वो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो बराबर है, 4 मार्क बोले पता नहीं सारा कम कैसे आ गए 6 का, देखो जो 10 का डिफरेंस है ना ये टोटल हो गया समझा, इसमें से आप बता सक रहे हो 6 का कहां से गए, तो ये एक्सप्लेन्ड है, और बचे हुए 4 जो आप बता ही नहीं सक रहे हो, बोले पता ही नहीं समझ में नहीं आया कहां से गए, ये क्या है अनएक्सप्लेन्ड है ना, तो टोटल वराइंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक एक्सप्लेन्ड दूसरा अनएक्सप्लेन्ड बराबर है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है एक्सप्लेन्ड वराइंस अपॉन टोटल वराइंस, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है एक्सप्लेन्ड वराइंस अपॉन टोटल वराइंस, या एक्सप्लेन्ड को कभी कभी अकाउंटेबल वराइंस भी बोलते हैं, जो अकाउंट कर लिया है अपन ने अकाउंटेड है, अनअकाउंटेड मतलब जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए उसको अकाउंट कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना आना, तो डिटर्मिनेशन कैसे निकालते अपन आर स्क्वायर से, ये क्या आता है एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल ठीक है, नॉन डिटर्मिनेशन कैसे निकलता है बोलो 1 माइनस आर स्क्वायर से, अब इसका फॉर्मूला बताओ ये एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वाली टर्म्स में, अच्छा 1 मतलब क्या होगा 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख दू एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल, किसी को आपत्ति है इसमें, अब 1 में से माइनस करना है तो कैसे बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं क्या, हाँ ना, अरे 1 के जगह पे लिख दू क्या टोटल अपॉन टोटल, एनी नंबर डिवाइडेड बाय सेम इज 1, हाँ ना, माइनस एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल माइनस एक्सप्लेन्ड मतलब क्या अनएक्सप्लेन्ड है ना अपॉन टोटल, तो नॉन डिटर्मिनेशन हो जाता है अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वराइंस, ठीक है अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वराइंस, डन है समझे क्या, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वराइंस, डन पक्का नो प्रॉब्लम, ठीक है ये इसको लिख के रख दो आगे कहां आएगा, बहुत यहां अपना खत्म हो गया कोरिलेशन रिग्रेशन, अब सुन लो इस बार काफी अच्छे से शानदार तरीके से हो गया, अब अगर तुमको कहीं लग रहा है मेरे को ये चीज पढ़नी है ठीक है, ऑब्वियस है भैया आज तो अपने 2 सेशन हो गए टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको लग रहा है मेरे को ये चीज पढ़ना है या मेरे को ये और करना है, तो एक बार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले मैं रिविजन भी डाल दूंगा आपके इसके अंदर काय में बैकअप के अंदर साथ ही साथ, तो आप वो रिविजन देख लो, वो रिवीजन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फिर से रेगुलर लेक्चर देखने की जरूरत है क्या, जो कि मेरे को पता है नहीं रहेंगे, ठीक चलो 1.5 घंटे की उसकी कुछ रिवीजन लेक्चर रहेगी उसको देख लीजिएगा, रिवीजन आएगा वो चैप्टर लेक्चर नंबर अपॉन आर लिख के रहेगा सामने, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।